एक एक्सपेरिमेंट सामने आपके है और ये एक्सपेरिमेंट आप करें भी नहीं तो इफ यू कनेक्ट विद द किचन, देखिए साइंस में अगर इफ यू टेक द किचन पार्ट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न. तो ये हम बहुत कुछ हमारा उसके अंदर हमारी बायोलॉजी भी है, फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी है इन किचन. तो आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल, आप ऐसे घर में पैन तो यूज करते होंगे इस टाइप का, नहीं तो कोई और टाइप का आप कंटेनर जिसमें चाय पतीला यू यूज, इसमें यू मेक टी या घर का खाना, कुकर यूज करते हैं, तो एनी यूटेंसिल यू टेक इट. तो अब ये जो यूटेंसिल है आपने ये लिया तो क्या है, कैन यू टच इट? जब आपने आपके जहां आपके सारे यूटेंसिल्स रहते हैं यू आर टेकिंग इट एंड देन यू आर कीपिंग इट ऑन बर्नर. तो अभी व्हेन यू आर पिकिंग इट अप, तो कैन यू पिक इट अप? आप उसको अपने हाथ से उठा लेते हैं या आपको कोई एक हेल्प लेनी पड़ती है किसी टॉवल की, किसी कपड़े की या कुछ और जो पकड़ने के हमारे जो और मीडियम्स हैं किचन में गर्म चीजों को पकड़ने के, आप वैसे लेते हैं? आप क्या करते हैं, यू जस्ट टेक इट बाय योर हैंड एंड देन इफ यू वांट टू कुक इन डेट व्हाट यू डू, यू पुट इट ऑन अ बर्नर. गैस बर्नर पे हम रख देते. सो नाउ अब आफ्टर 5 मिनट्स कैन यू टच दिस पार्ट, ये जो पार्ट है कैन यू टच नाउ आफ्टर पुटिंग इट ऑन फायर? अभी जब आपने उठाया यू कैन टच फ्रॉम एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट से आप उसको यू कैन टच बाय योर हैंड एंड कैन मूव ऑन. लेकिन अगर आपने अब इसको गैस पर रखने के 5 मिनट बाद ये पूरा जो इसका ब्लैक सरफेस दिखाई दे रहा है कहीं आप टच कर सकते हैं? जस्ट सेम टेल मी यस और नो. सो यहां पे वी कैन नॉट टच, यहां क्या है, वी कैन नॉट टच नाउ आफ्टर पुटिंग इट ऑन फायर, नहीं टच कर पाए ना. ओके नाउ आपने गरम करा, यू पुट द गैस ऑफ आफ्टर 5 to 10 मिनट्स 15 मिनट्स, इट डिपेंड्स कितना हैवी आपका कंटेनर है, उसके बाद आपका दिस इज विदाउट फायर या आउट ऑफ फायर. ओके या हम इसको कह सकते हैं कूल्ड डाउन. अब बताइए आप, अब आप इसको टच कर सकते हैं? यस नाउ यू कैन टच, नाउ यू कैन टच. तो ये क्या हो रहा है, हमने पहले जब टच करा वी कैन टच इट, आफ्टर पुटिंग इट ऑन फायर वी कैन नॉट टच इट, एंड आफ्टर टेकिंग ऑफ फ्रॉम द फायर आफ्टर 10 मिनट्स अगेन वी कैन टच दिस पार्ट. तो ये जो है ये जब हम टच नहीं कर पा रहे इन सेकेंड केस, इसमें क्या हुआ, द हीट डेट वॉज हियर इट गेट ट्रांसफर्ड ऑन दिस कंटेनर. सो ट्रांसफर ऑफ हीट, समझ में आया, जो हीट थी वो इस कंटेनर ने ले ली. तो ऐसा नहीं है यहाँ पे हीट की कमी हो गई, ये तो हमारा एक प्रॉपर सप्लाई इज गोइंग ऑन, बट यहाँ पर द हीट गेट एब्जॉर्ब और उसमें क्या हुआ, उसमें हीट ट्रांसफर हो गई. नाउ व्हेन द पैन इज रिमूव्ड फ्रॉम द फायर, तो अब जो इसके अंदर हीट थी इट गेट ट्रांसफर टू द सराउंडिंग्स, वो हमारे सराउंडिंग में ट्रांसफर हो गई एंड द पैन कूल्स डाउन. तो इट स्लोली कूल्स डाउन. सो व्हाई डज इट कूल्स डाउन, सो द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग्स, द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट. दूसरा पॉइंट, जब हमने पहले पैन जब हमने फायर पर रखा तो द पैन वॉज एट अ कोल्डर स्टेज एंड द फायर वॉज एट अ हॉटर स्टेज, नाउ फ्रॉम हॉट से कोल्ड में गई, नाउ पैन बिकम्स अ कोल्डर वन, सॉरी द पैन बिकम्स द हॉटर वन, जो सराउंडिंग्स थी वो कूलर वन हुआ या नहीं हुआ, दैट्स द सराउंडिंग्स वर कूलर वन. सो नाउ द पैन वॉज हॉट वेन वी टुक इट फ्रॉम द गैस,
सराउंडिंग्स वर कोल्डर, तो हॉट ऑब्जेक्ट से सराउंडिंग क्योंकि कोल्डर थे वहां पे हीट ट्रांसफर हो गया. सो हीट गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट्स. हमेशा हीट का ट्रांसफर का हमारा ये सिस्टम चलता है. इज दिस थिंग क्लियर टू यू? नेक्स्ट, देयर इज वन एक्टिविटी. इसमें क्या है, दिस इज अ कैंडल, CANDLE. तो ये नहीं कि आपको इंग्लिश में ही, व्हेन यू आर डूइंग इंग्लिश सब्जेक्ट यू पे अटेंशन ऑन द स्पेलिंग्स. आपको हर समय व्हेन यू आर राइटिंग यू हैव टू पे अटेंशन ऑन स्पेलिंग. तो दिस इज अ कैंडल, दिस इज अ मेटालिक स्ट्रिप. ठीक है, और ये जो यहां पे ये जो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं ये यू कैन से वैक्स है, या समथिंग अटैच्ड विथ वैक्स. और ये क्या हो गया, ये एक होल्डर हो गया, होल्डर ऑफ स्ट्रिप. व्हाई आई हैव शोन यू इन दिस वे, एक तो आपकी सेम पिक्चर इज इन योर बुक. द सेकेंड थिंग इज ये आप देखें, हर एक्सपेरिमेंट ये जरूरी नहीं है कि यू नीड अ लेबोरेटरी, दिस यू कैन डू एट होम ऑल्सो. तो ऐसे आप कर सकते हैं. नाउ व्हाट विल हैपन, हमने यहाँ पे पहले देयर वॉज नो कैंडल, हमने ये वैक्स जो था वी अटैच द वैक्स विद द मेटालिक स्ट्रिप. आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, वी पुट अ कैंडल एंड वी स्टार्ट हीटिंग दिस मेटालिक रॉड. सो आफ्टर सम मिनट्स व्हाट वी विल सी दिस मेटल, दिस वैक्स इज कमिंग डाउन, इज ड्रॉपिंग डाउन. और ये जो ड्रॉपिंग डाउन हो रहा है तो इट फर्स्ट यहां पर होगा, सेकंड यहां, थर्ड यहां, फोर्थ यहां, फिफ्थ यहां. ये नहीं है कि एकदम बात का गिरना स्टार्ट हो जाएगा. द वैक्स दैट वाज नियरेस्ट टू द फायर विल फेल डाउन फर्स्ट एंड देन इट विल कीप फॉलिंग एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्ट्रिप. सो जब हमने ये मेटेलिक स्ट्रिप, व्हाट हैपेंस व्हेन द मेटेलिक स्ट्रिप इज हीटेड, वी सी वैक्स पॉइंट्स आर कमिंग डाउन. सो ये जो हमारे वैक्स दे आर फॉलिंग डाउन, और ये आपके लिए मैंने इसलिए यहां पे लिख भी दिया है कि नियरेस्ट टू द हीट सोर्स विल फॉल फर्स्ट. तो नाउ डू यू थिंक दैट हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड. जब हमने क्या बताया इन द प्रीवियस पिक्चर, आप अभी ये देखे, मैंने ये कहा पहले यहां पे ड्रॉप हुआ एंड देन इट कीप्स ऑन ड्रॉपिंग. तो दिस मीन्स क्या हुआ, हीट यहां से स्प्रेड आउट हो रही है, हीट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. तो हाउ डज दिस हीट इज गेटिंग मूव, ये एक आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है ना. पहले वो फर्स्ट एंड पर थी, कैंडल तो वहां थी, बात तक उसके एंड पॉइंट तक जो मेटेलिक स्ट्रिप है, हाउ डज दिस हीट इज मूविंग. सो दिस हीट इज मूविंग विद द बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. अब ये कंडक्शन क्या है, फर्स्ट रीड द डेफिनेशन एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट. द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन. तो ये जो हमारा मेटेलिक स्ट्रिप जो थी, ठीक है, ये मेटेलिक स्ट्रिप जो थी और यहां पे ये कैंडल थी, ठीक है, यहां पर कैंडल थी. सो ये जो यहां जो मेटेलिक स्ट्रिप थी डेट वॉज द हॉटर एंड, है या नहीं है, क्योंकि यहीं पर फायर जल रही थी. तो दिस वॉज द हॉटर एंड एंड दिस वॉज द कूलर एंड, और ये हॉट था. तो हीट गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडक्शन. तो इफ आई आस्क
by which process heat get transferred in the metallic strip, you will say the heat get transferred with the process of conduction. और जो सॉलिड्स होते हैं, ऑल सॉलिड, यू हैव लर्न ना देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो सॉलिड में जो हीट ट्रांसफर होता है, जनरली इट गेट ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. तो यू ऑलवेज रिमेम्बर. तो जो अभी हमने इन द वेरी फर्स्ट स्लाइड जो देखा था अबाउट द केस ऑफ पेन, तो हाउ डज हीट गेट ट्रांसफर्ड इन दैट पेन. पेन क्या था? इट वॉज सॉलिड. तो दिस मीन्स हीट गेट ट्रांसफर्ड विद द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट इजली? हर सब्सटेंस अपना क्या इतने इजली हीट ट्रांसफर कर सकता है? तो एक इसके लिए, अगेन आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ पेन, इफ आई एम पुटिंग इट ऑन अ फायर, है ना, इफ आई एम पुटिंग इट ऑन अ fire. So this is the heat source. This is the heat source. I heat this pan. Now if I want to take this pan out of the fire, how will I do it? जरा सोचिए. मैं यहां से पकड़ सकती हूं? कैन आई? नो. कैन आई पिक फ्रॉम दिस पॉइंट? यस. हम जनरली, हमारे हैंडल्स इसीलिए बने होते हैं कि वी कैन पिक आउट एनी हॉट ऑब्जेक्ट, है या नहीं है, है ना. तो अब आप देखिए, जो हम कह रहे हैं डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट इजली, तो वी विल से नो, ऑल ऑब्जेक्ट्स डजंट कंडक्ट हीट इजली. अब वो यहां वी कैन नॉट टच, बट हियर वी कैन टच. इसका रीजन वी विल स्टडी. सो जो मटेरियल होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. समझ में आया? कंडक्टर्स क्या हो गए? मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजली, लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम. आपके जो यूटेंसिल्स होते, क्या होता है हमारे, कैसे होते? मोस्टली एल्यूमिनियम के होते हैं या नहीं होते? जो हमारा कुकर है, एल्यूमिनियम है, हा? जो हमारा चपाती जिस पर बनाते हैं, वो हमारा आयरन है. तो ये जो काफी जो मेटल्स होते हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी कंडक्टर्स. एंड तो कंडक्टर क्या हो गया? द मेटीरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम वेरी इजली. द अदर्स आर इंसुलेटर्स विच डू नॉट अलाउ हीट पास थ्रू देम इजली, डू नॉट अलाउ. यहां पे हमने ऊपर क्या पढ़ा था? अलाउ. यहां पे हम पढ़ रहे हैं डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम easily, like plastic, wood. So if I take the example of this pen, तो ये जो material है, this is a good conductor. और ये जो material है, this is bad conductor. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाई कैन वी होल्ड फ्रॉम हेयर बट वी कैन नॉट होल्ड फ्रॉम हेयर, तो यू विल से दैट दिस हैंडल इज मेड अप ऑफ एनी बैड कंडक्टर मटेरियल, दैट्स व्हाई वी कैन होल्ड अ हॉट पैन विद द हैंडल. सिंपल. आया आपको आंसर? नेक्स्ट, हाउ डज हीट गेट ट्रांसफर्ड इन वॉटर एंड एयर? तो अभी हमने क्या करा था कि मैटर जो है दे आर ऑफ थ्री टाइप्स. जस्ट नाउ आई टोल्ड यू मैटर इज ऑफ थ्री टाइप्स, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. ये पढ़ा था? सॉलिड में हमने पढ़ लिया हीट गेट ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. अब लिक्विड और गैसेस में क्या सेम वे में हीट ट्रांसफर होती है?
दिस इज अ क्वेश्चन. लेकिन ये हम लिक्विड और एयर का या वॉटर भी, क्या वॉटर कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लिक्विड. सो लिक्विड और एयर का जो हम पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट सेशन. उसमें देर इज अ डिफरेंट प्रोसेस, इट इज नॉट द कंडक्शन प्रोसेस. वो क्या प्रोसेस है, इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू लर्न. सो वॉट डिड वी लर्न टूडे. टूडे बेसिकली वी लर्न अबाउट कंडक्शन, कि इन सॉलिड्स हीट गेट ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. एंड देन वी हैव लर्न दैट मेटेरियल आर ऑफ टू टाइप्स, कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स. तो द मेटेरियल विच पास हीट थ्रू देम वेरी इजली आर नोन एज कंडक्टर्स, एंड द मेटेरियल विच डज नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर नोन एज इंसुलेटर्स. इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू लर्न हाउ हीट गेट ट्रांसफर्ड इन वॉटर एंड एयर. सो बाय देन please do learn the process of conduction. Take care. Bye.